बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा 3 साल बाद बॉलीवुड की स्क्रीन पर वापसी करने वाली हैं, यानी बॉलीवुड फिल्मों में वापसी करने वाली हैं द स्काई इज पिंक के जरिए। वाल इनकी द स्काई इज पिंक जो है 11 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की बात करें तो सोनाली बोस ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ इसकी खास बात यह भी है कि प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में प्रोडक्शन के लिए अपना डेब्यू करने जा रही हैं इस फिल्म के जरिए। इसके बाद अगर हम बात करें इस फिल्म में उनके को-स्टार्स की तो फरहान अख्तर और ज़ायरा वसीम उनके साथ नजर आने वाले हैं। ज़ायरा वसीम की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि वो बॉलीवुड जो है छोड़ देंगी अपने धर्म का हवाला देते हुए। इसके बाद अगर हम बात करें इस बात पर प्रियंका चोपड़ा के रिएक्शन की तो इतने महीनों बाद प्रियंका चोपड़ा ने इस बात पर चुप्पी तोड़ी है। रिसेंट एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा से इस बात पर क्वेश्चन किया गया था कि आपको ज़ायरा वसीम जो बॉलीवुड छोड़ रही है उनके डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है। प्रियंका चोपड़ा ने इसका आंसर बड़ी ही ज्यादा समझदारी और मैच्योरिटी के साथ दिया है। उनका कहना है कि एक पर्सनल डिसीजन होता है, हम किसी को ये नहीं कह सकते वो क्या सही कर रहा है और किसी को क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं, ये एक पर्सनल चॉइस होती है। वेल, अगर हम ज़ायरा वसीम की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा ने ज़ायरा वसीम की तारीफें भी की हैं। ज़ायरा वसीम को एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बोला है उन्होंने और साथ ही साथ उनके पिछले काम की तारीफ भी की है और जो उन्होंने काम उनके साथ द स्काई इज पिंक में किया है उसको भी अप्रिसिएशन दिया है प्रियंका चोपड़ा ने। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म की तो 11 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हो जाएगी द स्काई इज पिंक, जिसमें फरहान अख्तर, प्रियंका चोपड़ा और ज़ायरा वसीम नजर आने वाले हैं। वे तीनों पहली बार एक साथ हमें नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करें प्रियंका चोपड़ा की तो प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही हैं। अब देखना ये होगा ये जो फिल्म है प्रियंका चोपड़ा, ज़ायरा वसीम और फरहान अख्तर की बॉक्स ऑफिस पर कितना अच्छा परफॉर्म करती है। तो रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म के जो प्रमोशंस हैं वो भी शुरू कर दिए हैं।